नमस्कार साथियों, आप सबका प्रिवर्तन आईएएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का पेपर आ गया है, उसको हम चेक करते हैं वन बाय वन। इसमें सिर्फ हम चेक करेंगे, कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। पहला एक क्वेश्चन था जो लोकसभा में विपक्ष का जो इश्यू इसमें था, लीडर ऑफ अपोजिशन वाला जो क्वेश्चन है, उसका जो आंसर होगा केवल सेकेंड होगा, क्योंकि जो 75 मेंबर की थर्ड वाली कंडीशन है वो गलत है, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसमें गलत हो जाएंगे, केवल सेकंड होगा। मरुस्थल वाले में तीनों सब ऑप्शन सही है, क्योंकि पहले भी यूपीएससी में पूछ चुका है, तो तीनों इसमें सही हैं। जो मरुस्थल में जो पौधों का जो ह्रास होता है उसको रोकने के लिए जो क्वेश्चन है, डेजर्ट वाला। थर्ड में जो एनएसएसओ के 70 सेशन के बारे में बताया गया है, एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड के बारे में, तो इसमें भी केवल सेकंड सही है, क्योंकि लार्जेस्ट उत्तर प्रदेश है और 60% किसी में नहीं है कि वो नॉन एग्रीकल्चर रिसोर्सेज से आप इनकम प्राप्त करें। ठीक है, रूरल हाउसहोल्ड की बात कर रही है। हालांकि इस क्वेश्चन को हम पेंडिंग में रखेंगे फिलहाल के लिए, सेकंड इसको मान रहे ऑप्शन, लेकिन इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे जब इसको पूरा एनालिसिस करेंगे। रिपोर्ट बहुत बड़ी है इसलिए इसको चेक करना पड़ेगा प्रॉपरली। ठीक है, तो इसको पेंडिंग रख लीजिए एक बार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण वाला जो सवाल है वो इसमें केवल सेकंड सही है, क्योंकि जो सीपीसीबी जो है वो कार्यपालिका देश द्वारा नहीं, 1974 के एक्ट द्वारा जो गठित किया गया। ठीक है, ये वाटर पोल्यूशन एक्ट के थ्रू गठित किया गया। अगला क्वेश्चन छठा जो है वो भारत की जो संसद है 9वीं अनुसूची में डाल सकती है 9th शेड्यूल में, ये तो सही है, लेकिन 9th शेड्यूल में ज्यूडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ये गलत है। तो केवल एक स्टेटमेंट सही होगा, जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो होगा सी वाला। ये बैंक द्वारा अपने उन कस्टमरों पर लगाया जाता है जो डेबिट कार्ड से भुगतान किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों द्वारा जो डेबिट कार्ड पर पेमेंट करते हैं उसके बेसिस पर ये लगाया जाता है। 7th जो है वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से रिलेटेड है, तो ये बिल्कुल फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड वाला 14th मेंबर बन जाएगा, ये कंपलसरी नहीं है कि उसकी इच्छा होगी वो बनना चाहे, क्योंकि इंडिया अभी मेंबर नहीं है, लेकिन अगर मेंबरशिप मिलती है तो जरूरी नहीं कि इंडिया एनपीटी पर साइन करे, तो ओनली फर्स्ट इज राइट। 6th वाला जो क्वेश्चन है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पर 6% का जो सरचार्ज या टैक्स लगाया जाता है उसके बारे में जो क्वेश्चन है इसको हम पेंडिंग रख रहे हैं। 8th क्वेश्चन है, इसको हम प्रॉपरली एनालिसिस करने के बाद ही आप लोगों नीचे कमेंट करके बता देंगे इसका आंसर। ठीक है, 9th क्वेश्चन जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी से रिलेटेड है, उसमें केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट थोड़ी सी मतलब बायस टाइप, और थर्ड स्टेटमेंट में एक्सटर्नल लोन नहीं ले सकते अगर आपके पहले से पेंडिंग है, इंटरनल लोन लिए जा सकते हैं, मतलब विदेशी लोन कम चांसेस हैं केवल लें। 10th क्वेश्चन है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेल बहुत बड़ा है और घरेलू उत्पादन से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन इंपोर्ट रहा, लेकिन सेकंड जो कस्टम नहीं लगाती, सीमा शुल्क नहीं लगाती, ये सही नहीं है। ठीक है, तो केवल फर्स्ट इज राइट। मैजिनी गैरिबाल्डी शिवाजी और श्री कृष्णा वाला जो क्वेश्चन है वो है लाला लाजपत राय, क्योंकि वो अमेरिका में भी गए थे और केंद्रीय सभा के सदस्य भी रहे हैं लाला लाजपत राय। नेक्स्ट आधार कार्ड वाला है, आधार कार्ड में नागरिकता नहीं आप जस्टिफाई कर सकते। दूसरा जो है, आधार कार्ड जारी करने वाले आधार संख्या निष्क्रिय लुप्त नहीं किया जाता, निष्क्रिय किया जा सकता जो प्राधिकरण, क्योंकि अगर फेक हुआ, इस तरह की हुई तो निष्क्रिय किया जा सकता है, तो बायस है, इसमें डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, अराल सी, ब्लैक सी और बेकाल लेक वाला है, तो इसमें जो आंसर होगा केवल अराल सी है, ब्लैक सी और बेकाल लेक जो है वो प्रॉपरली है अभी भी। ठीक है, तो अराल सागर जो है बहुत सूख गया, ड्राई हो गया। नेक्स्ट जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, वीडी का नेम सूचकांक ये जारी करता है, विश्व न्याय परियोजना, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ये वाला जो कैपिटल एडिक्वेसी रेट है, एक सेकेंड। नेक्स्ट जो एटीएम वाला है, इसमें एग्जैक्टली श्योर तो नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, क्योंकि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डिजिटल इंडिया को प्रमोट ज़्यादा करता है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर ही फोकस करता है, और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन को तो ये तो अलग ही सिस्टम है। तो इसमें अगर किसी को एग्जैक्ट पता हो तो प्लीज़ आप ज़रूर नीचे कमेंट करिए ना। जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो, उसका आंसर इसमें डी आएगा, क्योंकि पहली चीज़ तो ये वो चीज़ नहीं होती कि आपको रखना पड़ेगा, ये बेसिकली होता है कोई रिस्क आ जाए तब उस पर आपके पास पैसा होना चाहिए। दूसरी बात, अलग अलग नहीं होता बैंकों के लिए, टीयर 1 और टीयर 2 मतलब
कमर्शियल जो शेड्यूल है उनके लिए एक अलग एक सेट कर दिया गया है आरबीआई द्वारा, और दूसरों द्वारा अलग वो सेट कर दिया गया है, ठीक है, फिक्स कर दिया गया है ये। नेक्स्ट जो है आधार कार्ड वाला, आधार ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेरेंस, ये डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक जो डिजाइन वो होते हैं ना उपकरण उसे कनेक्ट किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया गया है, और आयरिस से ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है, आयरिस क्योंकि सिंबल है आधार कार्ड का तो ये इससे पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें दोनों आ जाएंगे 1 और 2। ये जो अकाल वाला क्वेश्चन है फेमाइन वाला, तो इसका आंसर होगा यमन एंड साउथ सूडान। इन दिनों में 2016 में यमन और 2017 में साउथ सूडान काफ़ी चर्चा में है। जो वुड डिस्पैच वाला, इसमें केवल फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड वाला बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि सभी स्तरों पर नहीं किया गया था, केवल हायर सेकेंडरी लेवल पर जो था वो इंग्लिश को मैंडेटरी किया गया था, प्राइमरी लेवल पर वर्नाक्युलर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट किया गया था वुड डिस्पैच के बारे में, तो ए इज राइट आंसर। ये जो कमेटी के बारे में बात की गई पार्लियामेंट में, तो ये नियम कमेटी है, रूल कमेटी या लॉ कमेटी, जिस क्या इसको रूल्स कमेटी जो होगी, सी आंसर इसका सही है। जो आरटीई है राइट टू एजुकेशन, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड सही है क्योंकि 90% नहीं है, राज्य सरकार के पास बहुत स्कूल हैं लेकिन 90% बहुत बड़ा आंकड़ा है, इतने स्कूल्स नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि यूटीज में तो प्रॉपरली अलग अलग स्कूल्स आते हैं और डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत से स्कूल जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। नेक्स्ट जो है इसमें फर्स्ट एंड सेकंड सही है, जो ये चपचारकूट मिजोरम में, खोंगचाम परबा मणिपुर में, थांगटा जो है वो प्रेजेंट की जाती है मणिपुर में, तो सिक्किम इसका गलत आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी वाला जो इश्यू है 2016 वाला है, तो डेफिनेटली प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 को ये रिप्लेस करता है, और उसका जो डायरेक्टर है वो ये होम इसके हेल्थ फैमिली एंड हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, दोनों इसमें सही है। टू स्टेट सॉल्यूशन जो इसराइल से रिलेटेड है, इसराइल और फिलिस्तान से रिलेटेड। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें केवल सेकंड है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि केवल बीपीएल को मिलता है, एपीएल को भी गेहूं मिलती है, ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 67% पॉपुलेशन से, अगर 67% बीपीएल हम माने वो आंकड़ा है ही नहीं, 67% बीपीएल में नहीं आती तो इसको मिलता है, और सेकंड बिल्कुल सही है, थर्ड के बारे में सर्टेनिटी नहीं है और ना ही ऑप्शन में कहीं मैच कर रहा, तो सेकंड इज द राइट आंसर बी। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाला जो दिया गया रजिस्ट्रेशन ऑफ एंड प्रोडक्शन एक्ट 1994, तो ये WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट से रिलेटेड है, तो इसमें डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें केवल एक सेकेंड इसमें जो आएगा वो आएगा केवल थर्ड, क्योंकि राज्य सरकार गैर कोयला खदानों की नीलामी कर सकती है एक दायरे में, ठीक है, राजस्थान में लोहे से की खदान जो भीलवाड़ा जैसे कुछ जगहों पर है, झारखंड में है, तो ये सेकंड वाला तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी कि इसका थर्ड ही जाए, और फर्स्ट थोड़ा सा एक बायस सा स्टेटमेंट है इसलिए चांसेस बहुत कम है, तो डी इज द राइट हेयर। नेक्स्ट जो आएगा इसका आएगा बेंगलुरु और नागपुर, बहुत क्लोज था इसमें, 79 था लेकिन ये 77 आएगा, तो ये इसमें सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो 138-184 है वो चाइल्ड लेबर से, सीधी सी बात है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है और कोई इसमें रिलेशनशिप नहीं बनता, चाइल्ड लेबर आ जाएगा। जो मनी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया उसमें डी नहीं है कि भारत सरकार हर चीज़ पे लोन लेगी वो, क्योंकि वो एक्सटर्नल लोन भी हो सकते, तो ये डी इसमें पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा पॉसिबल है डी आंसर, ठीक है, ये बाकी बिल्कुल सही है। यहाँ जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट इज बिल्कुल सही कि अलग अलग राज्य में एमएलए का वोट की वैल्यू अलग होती है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एमपी की वैल्यू एक होती है, ठीक है, 708 वैल्यू है, तो इसका फर्स्ट इज राइट। एडिशनल प्रोटोकॉल का मतलब है सेफ गार्ड के अंदर आ जाएंगे, वो मॉनिटर भी कर सकता है लेकिन सेफ गार्ड में आता है असैनिक परमाणु रिएक्टर्स, खास करके यूज उनका गलत यूज ना हो, सेफली यूज हो, तो फर्स्ट इज राइट आंसर है। आसियान के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हिस्सेदारी है वो है 1, 3, 4, 5, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया और जापान, यूएसए कनाडा नहीं है, कनाडा तो वैसे भी मेंबर ही नहीं कहीं भी। जो गाक्सा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, तो इसमें सेकंड एंड थर्ड दोनों इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया ने इसमें अच्छा खासा रोल प्ले किया था और गाक्सा की सदस्यता कोई बंधनकारी नहीं है, कोई मतलब इन पर इफेक्ट नहीं डालता, सेकेंड एंड थर्ड जो होगा सी। जो डिजिटल इंडिया के बारे में बात की गई उसमें केवल थर्ड सही है, क्योंकि आप इसके जो पैरामीटर्स देखेंगे उसमें कहीं भी इन चीज़ों का डिस्कशन नहीं है, तो ये थर्ड इज राइट आंसर। ये जो क्षेत्र वाला दिया गया तो अलेपो सीरिया में और मजर शरीफ अफगानिस्तान में, तो फर्स्ट एंड फोर्थ सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है।
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो प्रांतीय राज्यपाल जो प्रोविंसेस के गवर्नर थे उनको दी गई थी। 39 का बिल्कुल सदस्य नहीं रहेगा तो वो उसको रिक्त कर देगा। और सेकंड चीज जो है वो तुरंत खाली नहीं करता, जब तक नए नहीं आते तब तक वो रहता है। तो एक सही है ये लॉ एंड इसमें जो रिलेशनशिप फ्रीडम में अगर बार बार चेंज करोगे तो स्वाधीनता के लिए खतरा होगी, ये सवाल है। और इसमें फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकता है, दोनों के पॉसिबिलिटी है, लेकिन डी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है, पॉसिबिलिटी है कि डी आंसर आए, 40 का डी। नेक्स्ट जो राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है उसमें दोनों सही है क्योंकि उस पर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जा सकता, केस हो सकता है लेकिन दांडी कार्रवाई नहीं होगी। और उसके बाद जो उनके भत्ते उनको मिलते उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो जो बनी ठनी वाला क्वेश्चन दिया है किशनगढ़ शैली का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड वाला है टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये जापान और साउथ कोरिया के बीच में लगाया गया था ताकि नॉर्थ कोरिया से सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो त्यागराज पर बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें रामा की स्तुति पर ये लिखे गए हैं श्री राम के ऊपर, तो फर्स्ट हटने के बाद हमारे पास सेकंड एंड फोर्थ बचते हैं ऑप्शन, तो इसमें सेकंड एंड फोर्थ आ जाए क्योंकि अन्नमाचार्य जो हैं वो बहुत पहले के हैं, लगभग पांचवी छठी शताब्दी में, और ये बहुत लेट आए 19 सेंचुरी में, तो इसमें केवल सेकंड एंड फोर्थ आंसर करेक्ट। विधि के शासन का मतलब यहाँ चारों इसमें सही आने चाहिए ऑप्शंस 1, 2, 3, 4, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। हालांकि अगर आप इसमें कुछ सजेशन देना चाहें तो ज़रूर दें क्योंकि 100% श्योर नहीं है लेकिन डी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लीगल टेंडर में जो यहाँ सबसे अप्रोप्रिएट होता है सी, इसका चेक ड्राफ्ट विनिमय बिलो आदि के रूप में बैंक मुद्रा, बाकी ऑप्शंस अप्रोप्रिएट ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो होगी विकल्प लागत जो होती है अल्टरनेट कॉस्ट जो टैक्सेस से हम कलेक्ट करते हैं वो आ जाएगा सी। ये जो जीएनपी वाला है इसमें डी आ जाए क्योंकि निर्यात करने के बजाय आयात तेजी से बढ़ेंगे और फॉरेन सेक्टर ऐड हो जाएगा तो एग्जैक्टली वो डेफिनेशन नहीं होगी। देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज से जहाँ यहाँ मतलब है कि किसी में नॉलेज स्किल और कैपेसिटी या उसमें एबिलिटी बढ़े तो सेकेंड इज द राइट आंसर, बाकी कोई भी सही नहीं है। ये उच्च बचत वाले अर्थव्यवस्था वाले का जो उत्तर आएगा वो होगा उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात डी। यहाँ संथाल मूवमेंट में जो एग्रीमेंट जो इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, संथाल की भूमि को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और संथाल परगना 1855 में आ गया था। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में एक परिणाम हुआ भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण, ये सबसे ज्यादा इसमें देखने को मिलता है, तो सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 53 है आर्टिकल 356 से रिलेटेड है, तो इसका आंसर आएगा डी, प्रेसिडेंट या उससे अपॉइंटेड जो होते हैं वो लॉ बना सकती है, संसद भी उस पर लेकिन प्राधिकार नहीं होता। इसमें जो कुल्ली शोल दिया गया तमिलनाडु में, ये सूजनी कढ़ाई बिहार में होती है, जामदानी साड़ी जो होती है बंगाल में, ठीक है, तो इसका फर्स्ट इज द राइट आंसर। जीपीएस टेक्निक के बारे में जो बताया गया तीनों जगह इसका यूज हो सकता है, बैंकिंग सिस्टम में भी और पावर ग्रिड्स के अंदर मॉनिटर करने में भी और मोबाइल फोन पर चलाना, तीनों में। देखिए 56 का जो तीनों स्टेटमेंट सही है, पहली बात रिजर्व बैंक केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की क्योंकि स्टेट की होती ही नहीं सिक्योरिटी ज्यादा उसमें, और ये भी सही और ये भी सही, थर्ड इसमें सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसमें सर्टेनिटी नहीं है, इसमें थोड़ा सा एनालिसिस रिसर्च करना पड़ेगा तभी इसको सोल्व कर पाएंगे। ये वानाक्राई काफी चर्चा में रहा था, साइबर अटैक थे वानाक्राई, इसमें जो संरक्षण कृषि इसमें आएगा सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, क्योंकि परिहार का मतलब तो ये हो जाएगा एब्सेंस, बगानी फसलों की एब्सेंस, ऐसा नहीं है, और एकाधान्य कृषि पत्तियों का परिहार ये भी नहीं है, तो सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ इसमें सही होगा। ये छठा व्यापक विलोप जो दिया गया है, सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन है, तो ये रिलेटेड है सी से, ठीक है, जैव विविधता की हानि हो सकती है इससे रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी को बहुत इफेक्ट होगा इस चीज से। जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम वाला, इसका केवल एक सही है क्योंकि ये इंडिया की बाउंड्री से 1500 किलोमीटर के बियॉन्ड जाएगा और 2019 के बारे में ये इसके बारे में ये हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर एक हो जाएगा तो एक के साथ पेयर नहीं बन रहा, तो केवल एक सही है, कोई नहीं इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट करेक्ट है,
ये वाला क्वेश्चन भी हम स्किप कर रहे हैं, साइंस का है, किसी को आता हो तो प्लीज जरूर नीचे कमेंट कर देना। जीएम मस्टर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसमें इजीली आप क्रैक कर सकते थे, क्योंकि केवल सेकंड आएगा, ये पंजाब विश्वविद्यालय नहीं नहीं बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको डेवलप किया, तो इसमें सेकंड इज द राइट आंसर। इसमें जो क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है और क्रिस्पर Cas9 जो है ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो केवल सेकंड सही है, क्योंकि बाकी सबके साथ 3 ऐड किया गया है, इसलिए 3 गलत होने के बाद इसलिए सेकंड इसका सही आंसर होगा केवल। 65 में जो कार्बन फर्टिलाइजेशन दिया गया है इसमें फर्स्ट है कि जो CO2 के कारण जो सांद्रता बढ़ जाती है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, उसके थ्रू जो है पादप वृद्धि या प्लांट्स में इसका यूज होता है फर्स्ट। देखिए इसका 66 का सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड इसमें फैक्ट हैं, तो इसका जो आंसर होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें जो सेकंड वाला बिल्कुल सही है और फर्स्ट वाला सर्टेन नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत ही रेयर है, क्योंकि हम सिलिकॉन में ही बहुत पीछे हैं, सिलिकॉन प्रोडक्शन में, सिलिकॉन वेफर्स में कहाँ से वो करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम मोस्टली जो सोलर पैनल्स होते हैं वो इंपोर्ट करते हैं, चाइना सबसे नंबर वन इसमें खड़ा है अभी, तो हम इसमें सिलिकॉन वेफर्स में बहुत पीछे हैं, थर्ड पे नहीं है हमारी पोजीशन। तो ये 18th सेंचुरी में जो बंगाल से स्टेपल कमोडिटीज थी, तो उसमें तांबा, सोना, चांदी, मसाले और चाय, ये इसमें थी। 69 का जो चंपारण सत्याग्रह का एक पहलू था कि इसमें बहुत बड़े स्तर पर लॉयर्स ने, स्टूडेंट्स ने और महिलाओं ने भागीदारी निभाई थी 69 में, मतलब चंपारण। 1948 में जो हिंद मजदूर सभा, उसके संस्थापकों में से अशोक मेहता, टीएस रामानुजम और जीटी मेहता, डी आ जाएगा। जो स्थानक वासिक इसमें वर्ड लिखा गया, इसका मतलब है जैन से रिलेशन था इसका। 72 में जो फतेहपुर सिकरी और बड़ा इमामबाड़ा रूमी दरवाजा के बारे में, तो सेकंड जो सही है बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा, लेकिन फतेहपुर सिकरी में वाइट मार्बल का यूज नहीं किया गया, रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया, तो केवल सेकंड इसका आएगा। जो डायमंड माइन से रिलेटेड क्वेश्चन है इसका सही है, जो जीन बेपटिस्टी और टेवरिनियर जो है ये सेकंड वाला, ये बिल्कुल सही है। जो इसमें भावी बुद्ध के बारे में डिस्कशन किया गया, तो मैत्री है और जातक कथाओं में इसका डिस्कशन किया गया है। जो सहायक संदेह वाला क्वेश्चन है इसमें नेपोलियन का कहीं ऐसा नहीं था कि अटैक हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल था नेपोलियन का इंडिया पर अटैक करना उस समय, ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ बिल्कुल सही है, सेकंड इसका गलत आंसर, यानी एग्जैक्टली ये आंसर होगा नेपोलियन वाला इसमें। देखिए जो इंग्लिश लैंग्वेज वाला है उसमें बिल्कुल ये वाला सही है, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 23 एग्जैक्टली ये साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो ये सेकंड होगा, क्योंकि 1813 तक डिस्कशन नहीं था, 1833 में विलियम बेंटिक और लॉर्ड मैकॉले के बीच में जो खिचड़ी पकी उसके बाद इस पर फोकस किया गया। थर्ड में ये अलग ही है, इसमें ये कि प्रेफरेंस किसको दी जानी चाहिए, तो इसमें ये नहीं कि अंग्रेजी इंग्लिश एजुकेशन यहाँ तक आ चुकी थी। सेकेंड इसका आंसर होगा कोडाई कनाल, मैन मेड लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट स्कीम से रिलेटेड है, तो ये फर्स्ट गलत है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, सेकंड और थर्ड इसमें सही हो जाएंगे, सी 78 का सी होगा। ये स्वराज्य सभा जो है वो ऑल इंडिया होम रूल लीग ही थी, ठीक है, क्योंकि इनका कोई नाम चेंज नहीं हुआ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का भी नाम चेंज नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 80 में जो सबसे पहले नील दर्पण आया था, ठीक है, नील दर्पण 1860 में पब्लिश हुआ था, तो सबसे पहले नील दर्पण, उसके बाद ICS में इनका हुआ, ठीक है, बाकी उस जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, एक ही आंसर है नील दर्पण, इसका आंसर होगा सही। देखिए बालू खनन के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है, और जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे जा सकता है, क्योंकि जो बालू होता है वो जब ठंडा रहता है तो नीचे उसको ड्राई होने से बचाता है, तो एक रीजन ये है उस क्षेत्र में, अगर ज़्यादा आप खनन करेंगे तो भूमजल पर काफ़ी पोल्यूशन होगा और वहाँ पर जो लेवल है वाटर लेवल वो नीचे चला जाएगा, तो इसमें सेकंड एंड थर्ड सही है। कृषि मृदाओं वाला जो क्वेश्चन है कार्बनिक, इसमें प्रबल रूप से डेफिनेटली कम करेगा अगर बहुत ज़्यादा कार्बनिक प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सल्फर का रोल होता है, थर्ड जो है वो भी सही है, तो फर्स्ट एंड थ्री इसमें करेक्ट होंगे। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी या PAGE जो दिया गया ये हुआ था रियो डी जेनेरियो 2012 में संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन Rio+20 जिसको बोलते हैं, तो ये इसका होगा आंसर बी। जो 3D टेक्निक है वो सब में यूज हो सकती है,
1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो इसमें ऑल द वॉइज राइट। बैरन आइलैंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली फर्स्ट इज ये एक्टिव वोल्केनिक है, और सेकंड ये ग्रेट निकोबार से नहीं बल्कि अंडेमान से 138 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली है, और लास्ट जो है वो 1991 में हुआ था, ये भी सही है, तो 1 और 3 इसका सही आंसर है। यहाँ जो प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा के बारे में वर्ड की यूज़ किया गया क्यों समाचारों में रहता है, इसमें डी आएगा क्योंकि मलेरिया के जो इलाज है ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करने के पर बातचीत होती है, तो इसका आंसर होगा डी। यहाँ कोरल रीफ से रिलेटेड जितने सवाल है प्रवाल भीतियों से संबंधित वो तीनों के तीनों ही सही है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी, इंडोनेशिया और फिलीपींस में एक तिहाई के अप्रोक्सीमेटली है, और डेफिनेटली वो जंतु संघ जो होते हैं उसके अंदर जो रहते हैं उसके बारे में जो बात की गई है उसको भी काफ़ी प्रिपोर्शन देते, तो तीनों इसमें स्टेटमेंट है सही है। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, तो ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरी की ये लाइन है, टैगलाइन। यहाँ जो मैच करने में फाउंडर के बारे में है तो इसमें केवल कलकत्ता मदरसा सही होगा, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो लॉर्ड वेल्जिली ने बनाया था, और बनारस का संस्कृत कॉलेज जो है वो जोनाथन डंकन ने इसकी फाउंडिंग करी थी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा मिंडानाओ फिलीपींस में है, और क्रेटालोनिया फर्स्ट एंड थ्री का जो पेयर इसमें दिख रहा है वो आएगा सी, क्योंकि क्रीमिया जो है यूक्रेन का एक हिस्सा है तो ये हो ही नहीं सकता सेकेंड ऑप्शन, तो 1 और 3 इसमें राइट होगा। 91 में जो मैचिंग करनी है इसमें आएगा 3, 2, 1, 4, सबसे पहले 1953 में एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया था, उसके बाद इसकी SBI की न्यू रखी गई थी 1955 के अंदर, और फिर 1957-58 में कम्युनिस्ट पार्टी, और फिर 1962 में गोवा बना था, तो इसका आंसर होगा 3, 2, 1, 4। देखिए राइट टू प्राइवेसी जो क्वेश्चन है वो आएगा सी में आर्टिकल 2(1) में, ठीक है, क्योंकि जीवन और यहाँ एक वर्ड लिखा गया है अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो 21 ही एकमात्र ऐसा है जो इसको बिल्कुल मैच करता है आर्टिकल 21 पार्ट 3। MSP के अंदर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं उसके अंदर कॉफ़ी नहीं आएगी, और अगर आप कॉफ़ी को यहाँ से हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक आंसर निकल कर आता है 2, 4, 5, 6, दैट इज सेकेंड, और यही UPSC खूबसूरती है कि एक ऐसा आंसर, एक ऐसा स्टेटमेंट हटाएगा जो आप इजीली कवर कर सकते हैं, तो इसमें आंसर होगा सेकंड 2, 4, 5, 6। देखिए पाखोई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। PSLV और GSLV के बारे में जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड गलत है, क्योंकि इसमें 3 स्टेज हैं, ठीक है। सेकंड इसलिए सही है क्योंकि इसमें जो एक, अगर एक जगह से वो घूमता रहेगा, रोटेशन बहुत ज़्यादा होगी, सॉरी इसमें एक ही आएगा, केवल एक आएगा, सेकंड नहीं आएगा, क्योंकि अगर सैटेलाइट कभी भी एक जगह टिक नहीं सकती, वो घूमती रहती है एज अर्थ रोटेट करता है, लेकिन ताकि उसमें एक एग्जैक्टली वो फिगर आउट किया जा सके, ठीक है, तो इसमें एक होगा। हालांकि इसमें सेकंड में कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, अगर किसी को वेरी सर्टेनिटी है तो ज़रूर आप इसमें सेकंड वाले पे बताइएगा जो PSLV और GSLV क्वेश्चन में है। ये जो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं कि एक तो फंडिंग कैपिटल प्रोवाइड करी गई है, दूसरा स्टेट बैंक में विलय किया गया, दोनों सही हैं, तो इसमें 96 में दोनों करेक्ट हो जाएंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसमें ये GST में 0% स्लैब में लिखा गया है कि फिश और एग, ठीक है, दो चीज़ें लिखी गई है, लेकिन जो ये वर्ड आगे जोड़े गए हैं पकाए हुए या संसाधित और डिब्बा बंद, ये नहीं यूज किए गए हैं, फिर भी जो वर्ड है उनके बेसिस पर लगता है सेकेंड और थर्ड की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो सेकेंड और थर्ड के साथ हम लोग जाएंगे। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के बारे में तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, बेगा ट्राइब को दिया गया 2016 एक्ट है उसके वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है उसमें इसको ऐड किया गया डेफिनेशन को, और डेफिनेटली एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री मिनिस्ट्री को राइट है कि वो किसी को भी घोषित कर सकता है। 1, 2, 3। प्लांट्स डिजीज में भी 1, 2, 3, 4 चारों हो सकते हैं, क्योंकि रेनफॉल अगर वर्षा होती, ज़्यादा वर्षा होती तब भी प्लांट्स में डिजीज हो सकते हैं, तो 4 के 4 इसमें सही होंगे।
लास्ट क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, फर्स्ट जो है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, तो पहला गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन कट जाएगा। सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट है, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये भी एपेडा जो एक तरीके से सेक्रेटरीट का काम करता है वो इसको प्रोवाइड करता है, टू एंड थ्री इसमें सही है। ठीक है, तो ये था पूरा सिनेरियो। कुछ क्वेश्चन जो छूट गए उनके लिए माफ़ी चाहेंगे, 100% तो किसी को नहीं आते होंगे, तो आप लोग मदद करिए, और कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट है, कन्फ्यूजन, आपको लगता है कि उसका चेंज होना चाहिए आंसर, तो आप ज़रूर उसमें बारे में बताइए, ताकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन सके। धन्यवाद, जय हिंद।